मुख्तार अंसारी आईएएस 191 गैंग का सरगना वाईएचएस नंबर 16B की अवैध रूप से अर्जित भूखंड व उस पर बनी दो इमारतें एवं एक निर्माणाधीन भवन कीमत 24 करोड़ रुपए धारा 14A गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त संगठित अपराधियों के विरुद्ध मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दक्षिण टोला क्षेत्र अंतर्गत आज दिनांक 9 जून 2021 को अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी मोहल्ला यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ में मुकदमा संख्या 55/21 धारा 3A गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है जो वर्ष 1988 से अपराध में लिप्त है तथा आईएएस 191 गैंग का मुखिया है तथा थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर से बी श्रेणी का मजारिया एचएस है जिसका एचएस नंबर 16B है एवं इसके विरुद्ध कुल 49 आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त मुख्तार अंसारी के द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में लिप्त रहकर अपराध से अर्जित किए गए अवैध धन से अपनी माता राबिया बेगम के नाम से जनपद मऊ नगर क्षेत्र मौजा खालसा उत्तर दक्षिण टोला में आरजी नंबर 870 रकबा 0 से 142 हेक्टेयर कुल रकबा 0 से 677 हेक्टेयर दिनांक 21 जनवरी 2015 को क्रय किया गया था जो राबिया बेगम की मृत्यु के बाद वसीयत के अनुसार मुख्तार अंसारी के पुत्रों अब्बास व उमर के नाम से खतौनी में दर्ज है। उक्त भूखंड पर 1 करोड़ का 2 निर्मित भवन व 50 लाख का निर्माणाधीन भवन है। संपूर्ण अचल संपत्ति 4 लेन रोड के किनारे है जिसकी कुल कीमत 24 करोड़ रुपए है। इस संपत्ति को धारा 14A गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट मऊ द्वारा दिनांक 7 जून 2021 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में तहसीलदार सदर क्षेत्राधिकारी नगर व भारी पुलिस बल की उपस्थिति में जब्त की गई है।